तो आज मैं एक यूनिक चॉकलेट की रेसिपी लेके आई हूँ, तो चलिए इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन जो है गरम होने के लिए रखा है, उसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप से थोड़े से कम ड्राई फ्रूट है। मैंने यहाँ पे मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। जो ड्राई फ्रूट्स आपको ज़्यादा पसंद है उसे आप ले सकते हैं इसमें ज़्यादा क्वान्टिटी में, और बाकी के ड्राई फ्रूट्स आप कम कर दें। स्लो गैस पर ड्राई फ्रूट्स को हमें रोस्ट करना है ताकि ये थोड़े से क्रंची हो जाए। तो अब मैंने वो एक अलग बोल में निकाल दिया है ड्राई फ्रूट्स, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 3 टेबलस्पून शुगर। गैस का फ्लेम स्लो ही रखा है और शुगर को एक बार पैन में इस तरह फैला लेते हैं। जब शुगर जो है थोड़ी सी मेल्ट हो जाती है तो उसे स्पून से आप देखिए इस तरह मिक्स कर ले, लगातार चलाते रहे। अब इसे जो शुगर है वो जलनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो शुगर सिरप है वो बन के रेडी है। तो यहाँ पर मैंने गैस जो है बंद कर दिया है। उसके बाद मैंने जो ड्राई फ्रूट सेक के रखे थे उसे मैंने हमान दस्ते से थोड़ा सा कूट लिया है, या फिर आप फाइनली चॉप भी कर सकते हैं। शुगर सिरप में इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस बंद है, उसके बाद ही आपको ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। तो चलिए अब जल्दी से इसे सेट कर लेते हैं। तो किचन प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सा घी लगा के मैंने पहले ही रख लिया था, और इसे हम चिक्की की तरह सेट करेंगे। तो मैंने इसे फैला दिया है और 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि ये कड़क हो जाए। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं और ये हमारी जो ड्राई फ्रूट चिक्की है बनके रेडी है। तो इसे देखिए मैं रफली इसे तोड़ रही हूँ, अनइवन पीसेस हमें कर देने हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे छोटा वाला हमान दस्ता यूज़ कर रही हूँ इसे क्रश करने के लिए। इस चिक्की के हमें एकदम छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं, बहुत ही बारीक बारीक। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको इसे जो है कूट लेना है। तो इसे आप एक बोल में डाल के साइड में रख दीजिए और हम आगे की जो प्रोसेस है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक बड़े से बोल में मैंने 1 कप डार्क चॉकलेट ली है और 1/2 कप मैंने मिल्क चॉकलेट ली है। मैंने यहाँ पे कंपाउंड यूज़ नहीं किया है मोर्डे का, अच्छी वाली क्वालिटी की चॉकलेट मैंने ली है। तो यहाँ पे देखिए गैस पे मैंने पानी जो है गर्म होने के लिए रख दिया था और उसके ऊपर मैं ये चॉकलेट का बोल रख रही हूँ। हमें यहाँ पे चॉकलेट को मेल्ट करना है इसलिए मैं इस तरह से मेल्ट कर रही हूँ। आप डायरेक्ट चॉकलेट को गैस पे जो है मेल्ट नहीं कर सकते, बीच बीच में स्पून से इस तरह चॉकलेट को जो है मिक्स करते रहना है। आप ओनली डार्क चॉकलेट या फिर ओनली मिल्क चॉकलेट से भी ये जो चॉकलेट है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे चॉकलेट जो है बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है, तो उसमें हमने जो पाउडर बना के रखा था ड्राई फ्रूट का वो हम मिक्स कर देते हैं। पाउडर मिलाने से पहले आपको जो है गैस बंद कर देना है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे जो है गर्म पानी के बोल से नीचे उतार दिया है। चॉकलेट को सेट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे 2 तरह के मोल्ड है। आपको अलग अलग शेप के मोल्ड्स मार्केट में ईजिली मिल जाते हैं। आपको ये ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों वे में मिल जाएगा। इसका रेट जो है 30 रुपीज़ है। अगर आप सिलिकॉन का लेते हैं तो वो आपको माइट महंगा पड़े। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने हार्ट शेप का मोल्ड लिया है और इसमें मैं चॉकलेट जो है फिल कर रही हूँ। तो यहाँ पे चॉकलेट को मैंने अच्छी तरह से फिल कर दिया है। उसके बाद हल्के हाथ से इसे टैप कर लेंगे और इसे 15 मिनट के लिए रख देते हैं फ्रिज में। आफ्टर 15 to 20 मिनट्स हमारी जो चॉकलेट है वो बहुत अच्छे से सेट हो गई है। तो इसे देखिए डीमोल्ड कर लेते हैं। डीमोल्ड ये बहुत इजीली हो जाती है और मैं आपको ये पास में से दिखा रही हूँ। जब आप ये घर पे चॉकलेट बनाते हैं तो बिल्कुल भी कोई बिलीव नहीं करेगा कि आपने इसे घर पे बनाया है। एकदम मार्केट जैसा ही टेस्ट आता है। एक चॉकलेट को हम कट करके भी देख लेते हैं। ये चॉकलेट इसलिए हेल्दी है बिकॉज इस वे में आप बच्चों को ड्राई फ्रूट्स खिला सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट की जगह यहाँ पे पीनट्स भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप हेज़लनट यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को जो ड्राई फ्रूट पसंद है आप इस तरह इसकी चिक्की बनाएं और फिर चॉकलेट में मिक्स कर दें। बट मेक श्योर कि जो चॉकलेट है वो अच्छी क्वालिटी की आप ले। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास टेडी बेयर शेप का भी मोल्ड था और ये जो बॉल शेप का मैंने मोल्ड दिखाया था उसमें भी मैंने जो बची हुई चॉकलेट थी वो मैंने सेट कर ली है। और ये चॉकलेट को आप बाहर ही रख सकते हो, 20 से 25 दिन ये ख़राब नहीं होती है।